শ্বশুর আমি কোলে উঠবো না। বাবা তুলে কোনো কথা নয়, বাবা। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, फिल्म इंडस्ट्री बंगाली से इंडिया, वहाँ से जी जीत, सुपरस्टार जीत की जो है मूवी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। और जो मूवी है उसका नाम है बूमरैंग ऑफिशियल ट्रेलर बंगाली, ठीक है जी। और इससे पहले भी हमने इनकी जो है मूवीज़ देखी हैं, गाने सुने हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। और ये जीत इंडिया से है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर। लेट्स गो। मैजिकल भाई, व्हाट इज द प्राइस? लेस देन योर लाइफ। अंकल बाजा, लोग अच्छा लग रहा है जीत का। ट्रेन ब्रिलियंट ब्रेन। हमार मनी चाहिए ना, मान चाहिए सर। ओ, पैसा नहीं चाहिए। शादी बोली पागला। ऐशन, अभी तो रावण बीए देवू। शामुरे ने मे शामुर हार्ट से कहने। वो तो हमारे रोबोट में काकू बोले देवू। कोठा पास्ते काकू। तू ही मुझ पे ना माँ। দেখে না কিরম মনে হচ্ছে তারটা একটু কাটা। বাবা তুলে কোনো কথা নয়, বাবা তুলে কোনো কথা নয়। কচি বৌমার কোলে পুরো শ্বশুর দোলে। বৌমা না বৌমা, চার্জ মি আয়ো, চার্জ মি। তুমি ওকে চার্জ দাও। হায়ে জিউ বৌদি গো, ফুল এমার্জেন্সি কেস। এই বাড়িতে কোনো মেয়ে ছেলে এন্ট্রি দিয়েছে। নিশা কোথায়? নিশা কে? ঈশার বোন নিশা। 25 বছর পর হঠাৎ করে উদয় হলো কোথা থেকে? সে তোর বাবাই বলতে পারবে। নিশা হচ্ছে আমার শ্বশুরের অবৈধ সন্তান। জয়বাবু, একটু থাপ পড়ে সব কটা দাঁত ফেলে দেবো তোমার। চার্জ হচ্ছিল না? না, চার্জ দিচ্ছিল। ওর বাংলাটা ঠিক আসে না। এসব কি উল্টো পাল্টা লোড করেছেন? লোড নিজে কি আপনার বউ ভাবছে? আমি বউ ভাবছি? আমি বউ না। এই সালামি এর মধ্যে নেই। নিশা তোর, ইশাও তোর, আমি চললাম। এই 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 অয়ন, এ তো পুরো বুমেরাং হয়ে গেল। আজকে যে রিয়ে ও কে যে কার মেয়ে, কে যে কার বোন, আমি তো শালা কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বয়সে ছুটছে দেখো, জান বন্দে ভারত। এই ঢিল মেরে থামিয়ে দিই। এই জন্যই তোদের কপালে ভালো কিছু জোটে না। ওর শ্বশুরের অবৈধ সন্তান, ওর সন্তান কি করে হয়? আমি কি করে বলবো? মা, কেন আমাদের একজন সুপারম্যান বা স্পাইডারম্যান নেই? वाओ, जबरदस्त। 7 जून को आ रही है भाई, बहुत मजा आया मुझे। और बहुत फनी एलिमेंट, मतलब बहुत सारी फनी चीजें थी। निशा और ईशा दो, एक जो है बॉट है और एक जो है ना वो उनकी वाइफ है। और वो बीच में अच्छा, इसको तुम चार्ज भी करते हो, बड़े बड़ा अच्छा लगा। जब वो सबसे स्पेशल मुझे जो इस पूरे जो है ट्रेलर में अच्छा लगा ना, वो ही जैसे वो हंसती वो जब भी हंस रही थी मुझे हंसी आ रही थी। और बहुत अच्छी एक्टिंग की यार रोबोट की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई ओरिजिनल वाली से। जो उसकी वाइफ थी, ज़्यादा मुझे रोबोट अच्छी लगी। और एक्टिंग बहुत अच्छी जो है करते हैं, फुल ऑन मज़े वाली मूवी होनी चाहिए इसको, होगी। क्योंकि स्माइल मेरे मुंह से ना हटी नहीं, जितना मैंने उसको देखा है स्माइल मेरे फेस पे ही रही है। बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है कि वो साइंटिस्ट होता है, फिर वो जो है ना बनाता है और कहता है मुझे फेम, मुझे पैसा नहीं, फेम मतलब इज्जत चाहिए। और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही फनी चीज़ें होंगी। फिर उसके वो वाला सीन कितना अच्छा, उसके फादर को गोद में उठा लेती है, उसके बाद जब उनका वो कर रही होती है गर्दन शर्दन सही के, नहीं नहीं मैंने फादर को हाथ नहीं लगाना, तो यार बहुत मज़े की होगी। वो बेचारा इसी में ही टेंशन में रहेगा कि क्या करना है। और फिर वो कहते हैं ना सीन पे कि आपकी वाइफ हो गई थी, कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो बहुत अच्छी, बीच बीच में बहुत
थी, फनी चीजें थी और बहुत मजा आया। इस तरह की जो चीजें होती है ना बहुत ही मजे की होती है। आखिर में मेरा ख्याल होगी ट्रेजेडी थोड़ी बहुत। तो उम्मीद है जी आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई जो है देखना चाहें तो उसका भी जो है बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।